हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है 3000+1 प्रैक्टिस प्रॉब्लम का, वो है बायोटेक्नोलॉजी। इसका जो पहला चैप्टर है हमारा प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ये देखो हमारा क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर नंबर 11 और 12 दोनों हमारे बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आते हैं और दोनों का वेटेज काफी ज्यादा है। जैसा कि तुम सबको पता है नीट 20 में इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन थे, बायोटेक्नोलॉजी वाली पूरी यूनिट से। इसमें हमारे दो चैप्टर आते हैं और कितने क्वेश्चन थे, अराउंड बायोटेक्नोलॉजी से 6 क्वेश्चन तुम्हारे नीट एग्जाम में पूछे गए थे। और ये दोनों चैप्टर काफी आसान हैं। ये दोनों चैप्टर एक तो काफी आसान है और इनसे क्वेश्चन भी काफी बेसिक बेसिक से पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। और ये 3000 तो तुम्हें समझ में आ गया है, ये प्लस वन क्या है? देखो प्लस वन ये है कि तुम अपने भी डाउट पूछ सकते हो। जो भी तुम्हें डाउट है, क्वेरी है तुम्हारी, उसको तुम पूछ सकते हो। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक गूगल फॉर्म दे रखा होगा, वहां पर तुम्हें फिलअप करना है फॉर्म। जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है उसको तुम फिलअप कर सकते हो। तो ये 3000 तो मेरे क्वेश्चन रहेंगे और ये एक एक क्वेश्चन तुम्हारा डेली रहेगा। मैं एक क्वेश्चन चूज करूंगा जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उनमें से, ठीक है? तो तुम अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, उनका मैं आंसर कर दूंगा फिर तुम्हें लास्ट में, क्लास के लास्ट में उसका आंसर कर दिया जाएगा। तो पहली बात ये कि क्या वॉइस और वीडियो क्लियर है? क्या तुम लोग मुझे देख पा रहे हो और क्या तुम लोग मुझे सुन पा रहे हो? क्या तुम लोग मुझे सुन पा रहे हो और देख पा रहे हो? जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन है, जो भी लाइव है, एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करके बताएं मुझे क्या सब कुछ ठीक है। हेलो हिमांशी, रुद्रानी, बायोलॉजिकल सेपियंस, निवेदिता कुमारी, साई तेजा, दैन रुद्रानी, विनय, वॉइस वीडियो क्लियर है ना? इशाक न्यूटन, आयु खान, मिस्टर सैनी, नीट गैलेक्सी, इशाक न्यूटन, ठीक है सर? बताओ मुझे वॉइस ठीक है, वीडियो ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है तो हम स्टार्ट करेंगे आज। इस चैप्टर का वेटेज काफी ज्यादा और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, माई सेल्फ इज विकास जहांगीर एंड आई एम करंटली थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। मेरी अनअकैडमी पर भी क्लासेस चलती है, स्पेशल क्लासेस फ्री है वो सबके लिए, और तुम मुझे अनअकैडमी पर ही फॉलो कर सकते हो। देखो अनअकैडमी पर प्लस कोर्स एक्सेस करने के लिए तुम्हें ये कोड यूज करना है, विकास जहांगीर। क्लासे मेरी फ्री रहेंगी लेकिन तुम्हें ये कोड यूज करना है। जब भी तुम अकेडमी पर जाओगे तो तुमसे एक कोड मांगेंगे, वो भाई क्या कोड आपको देना है, तो आपको ये कोड देना है विकास जहांगीर लाइव, या फिर विकास जहांगीर भी दे सकते हो। दोनों ही कोड तुम यूज कर सकते हो, विकास जहांगीर लाइव और विकास जहांगीर। तो मुझे अकेडमी पर फॉलो कर लेना ताकि हम बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन वहां भी कर सकें। उसके बाद देखो प्लस के बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहूंगा, अनअकेडमी के क्या क्या बेनिफिट है। एक तो तुम घर पर बैठे बैठे पढ़ सकते हो कम्फर्ट। उसके अलावा तुम्हें अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, बेस कोर्स मिलते हैं, मेंटरशिप एंड गाइडेंस मिलती है, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा इसकी भी गारंटी है, तुम्हारे रेगुलर डाउट क्लियर होंगे, आंसर राइटिंग सेशन होते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज, और तुम्हें स्टडी मटेरियल हर क्लास के बाद तुम्हें PDF फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवा दिया जाता है। दो है, एक प्लस एक आइकॉनिक। प्लस में क्या क्या मिलता है? प्लस में तुम पढ़ोगे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से, यहाँ पर तुम्हारी इंटरेक्टिव लाइव क्लासेज होती है, स्ट्रक्चर कोर्स और PDF मिलेगा तुम्हें हर सेशन का, और तुम्हारा लाइव टेस्ट और क्विज होते रहते हैं। देखो आइकॉनिक में ये चारों चीजें तो सेम है, उसके अलावा क्या बेनिफिट है? तुम्हें एक पर्सनल कोच मिलेगा जो कि तुम्हें गाइड करेगा तुम्हारे नीट की तैयारी तक, स्टडी प्लानर बना के मिलेगा तुम्हें, एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा और तुम्हारा टेस्ट एनालिसिस मिलेगा। तो तुम इनरोल कर सकते हो। डिफरेंस क्या है? देखो तुम्हें इनरोल कैसे करना है, पहले गोल मैनेज करोगे, नीट UG पर जाओगे, गेट सब्सक्रिप्शन, और जो भी तुम्हें प्लान लेना है वो लोगे, और कोड के अप्लाई करोगे, यहाँ पर कोड अप्लाई करोगे विकास जहांगीर लाइव या फिर विकास जहांगीर लाइव, ये कोड यूज करोगे विकास जहांगीर लाइव तुम, तो तुम्हें 10% का ऑफ मिलेगा और मेरा पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। उसके बाद देख लेते हैं NEET 21 वालों को 6 मंथ का लेना चाहिए, ये तुम्हारा 28,000 का है, और बाकी जो अगर आइकॉनिक लेना है तो तुम्हें लेना चाहिए ये वाला प्लान, और अगर तुम ये कोड यूज करते हो विकास जहांगीर लाइव, ये कोड तुम्हें दोनों जगह यूज करना है। जब तुम्हें फ्री कोर्स को एक्सेस करना है तब भी ये कोड यूज करना है, और तुम्हें अगर प्लस लेना है तब भी ये कोड यूज करना है, तुम्हें 10% ऑफ मिलेगा और तुम सीधा मेरी गाइडेंस में आओगे, विकास जहांगीर की गाइडेंस में आओगे तुम, मैं तुम्हें गाइड करूंगा। तो चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वॉइस वीडियो ठीक है। हाय एवरीवन, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना? बड़े क्वेश्चन की तरफ, थम्सअप कर दो, थम्सअप नहीं कर सकते यहाँ पर लाइक कर दो, यहाँ पर मेरी लाइव क्लासेस की आदत है थम्सअप करवाने की, लाइक कर दो जल्दी से वीडियो को, तब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा बेहतरीन सा, पहला क्वेश्चन ये रहा जो हमारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन है जिसका हम यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, किसके लिए यूज करते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन को, तुम्हें आंसर कैसे करना है? आंसर करने का सिंपल सा तरीका है,
जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तुम्हें कमेंट में लिखना है, फर्स्ट के आगे ऐसे ए बी सी डी जो भी इसका करेक्ट आंसर होगा वही तुम्हें लिखना है, ठीक है ना। जो भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वही तुम्हें लिखना है। स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? किस किस को स्क्रीन नहीं दिख रही है? किस किस को स्क्रीन नहीं दिख रही है? करो आंसर, जल्दी से आंसर करो। तुम लोग भी कमेंट पढ़ने के लिए फोन ले रखा है मैंने। क्या जाएगा इसका आंसर? क्या जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या जाएगा? वेरी गुड, धैर्य, सुरेंद्र, योगेश, सैफूरा, सैफूरा, आयु खान, हिमांशी, दिख रहा है ना सब? क्या जाएगा इसका आंसर? फर्स्ट का आंसर तुम्हारा जाएगा सी। वेरी गुड। किसमें काम आता है ये? जीन ट्रांसफर में। और जीन ट्रांसफर भी किसमें? एनिमल में या प्लांट में? जीन ट्रांसफर भी किसमें? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। जीन ट्रांसफर ठीक है, जीन ट्रांसफर ठीक है, जीन ट्रांसफर भी कहां पर? एनिमल में या प्लांट में? एक मिनट मुझे अपना चेहरा थोड़ा इधर करने दो, इसमें एक मिनट नीचे लाने दो मुझे अपने आप को। ठीक है, अब ठीक है, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, चलो हाँ अब ठीक है, चलो चलो करो आंसर, करो आंसर। जीन ट्रांसफर भी कहां पे तुम्हारा? प्लांट में। जीन ट्रांसफर भी कहां पर? प्लांट में। ओके ना, प्लांट में। एनिमल में किसको यूज करते हैं जीन ट्रांसफर के लिए? एनिमल में किसको यूज करते हैं जीन ट्रांसफर के लिए? एनिमल में किसको यूज किया जाता है जीन ट्रांसफर के लिए? एनिमल में यूज करते हैं रेट्रोवायरस को यूज करते हैं एनिमल्स में जीन ट्रांसफर के लिए, सेम चीज के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। पीसीआर टेक्निक किसके लिए यूज की जाती है? मेनली यूज क्या है पीसीआर का? मेनली यूज क्या है पीसीआर का? करो इसका आंसर। तुम इसका आंसर करोगे तब तक मैं तुम्हें पीसीआर की स्टेज बता देता हूं क्या क्या होती है। पहली होती है हमारी क्या? डीनेचुरेशन। पहली होती है डीनेचुरेशन। दूसरी क्या होती है हमारी? दूसरी होती है एनिलिंग। और तीसरी क्या होती है हमारी? तीसरी होती है एक्सटेंशन। मेन बातें क्या पूछी जाती है? मेन बातें पूछी जाती है क्या? ये पूछी जाती है मेन बातें। इनमें टेम्परेचर तुम्हें सब में याद होना चाहिए, तीनों में टेम्परेचर याद होना चाहिए। इसका आंसर तुम्हारा जाएगा वेरी गुड, वेरी गुड। हिमांशी, धैर्य, सफोरा, राधिका शर्मा, वेरी गुड, वेरी गुड। इसका आंसर तुम्हारा चला गया डीएनए एम्प्लीफिकेशन। मुझे टेम्परेचर बताओ सभी का मुझे टेम्परेचर बताओ। लेट नहीं हुए हो, अभी दो ही क्वेश्चन हुए हैं, लेट नहीं हुए हो। 2n कॉपीज बनती है, यह भी बिल्कुल सही बात है। सबका टेम्परेचर बताओ मुझे एक बार जल्दी से। हाँ अप्रोक्स बता दो। ये हो गया 94 डिग्री सेल्सियस, यहां पर कितना होता है 54 डिग्री सेल्सियस, और यहां पर कितना होता है 72 डिग्री सेल्सियस। हर स्टूडेंट को याद रहना चाहिए टेम्परेचर, हर स्टूडेंट को याद रहना चाहिए टेम्परेचर। +-1 +-2 चलता है, लेकिन ये अप्रोक्स है। सही हूं ना मैं? गलत तो नहीं बता रहा हूं तुम लोगों को? क्या मैं गलत बता रहा हूं तुम लोगों को? सही बता रहा हूं ना? सही बता रहा हूं, हाँ हाँ सही बता रहा हूं। मेरी अनअकैडमी पर भी क्लासे होती हैं, तुम मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हो। मेरी प्रोफाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज रात को 9 बजे तुम्हारा क्या है वहां पर? आज रात को 9 बजे तुम्हारा फुल सिलेबस टेस्ट है, फुल सिलेबस होगा, बिल्कुल फुल सिलेबस टेस्ट होगा। तुम वहां भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। फ्री क्लास के एक्सेस के लिए कोड क्या यूज करोगे? कोड यूज करोगे विकास जहांगीर, विकास जहांगीर लाइव, ये कोड यूज करोगे। तुम्हें कोई भी पेमेंट की जरूरत नहीं है मेरी क्लास करने के लिए, कोई प्लस लेने की जरूरत नहीं है। मेरी क्लास होती है तुम्हारी फ्री, विकास जाएंगे लाइव यूज करोगे। चलो ये हो गया है, आज 9 बजे है और दिन 7 बजे होता है, आज 9 बजे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल सीजर? केमिकल सीजर का एग्जाम्पल बताओ। केमिकल केचिया, केमिकल सीजर कौन है जल्दी बताओ। क्या आंसर मेरा फेवरेट जाएगा? क्या आंसर मेरा फेवरेट जाएगा ये बताओ मुझे। क्या आंसर मेरा फेवरेट जाएगा? जल्दी जल्दी बताओ, हाँ जल्दी करेंगे, डोंट वरी जल्दी करेंगे। लेकिन जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन है, लाइव है, प्लीज लाइक कर दो वीडियो को, लाइक कर दो और लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, लाइक कर दो और लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। वेरी गुड, वेरी गुड। इको आर वन इन थर्ड और तुम्हारा बाम फर्स्ट, तीनों ही क्या है हमारे? मोलिकुलर सीजर है, केमिकल सीजर है, मोलिकुलर सीजर है, ठीक है ना। का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ना, ये क्या नाम है इनका? ये है हमारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये हमारे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वेक्टर इज कॉमनली यूज इन ट्रांसफर ऑफ जीन इन ए क्रॉप प्लांट? क्रॉप की बात आ गई, क्रॉप प्लांट ही होती है वैसे। करो आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, आसान क्वेश्चन है। 3 का डी लगा रहे हो, वेरी गुड, वेरी गुड। विनय, वेरी गुड। सुरेंद्र, वेरी गुड, सुरेंद्र, वेरी गुड। नादिया फिरदोस, पूजा गोयल, धैर्य, मैसुदर, राधिका, आयु, पूजा, राजकुमार, वेरी वेरी गुड। करो आंसर, क्या जाएगा इसका? 4 का आंसर सी कर रहे हो, सही है। डी मत करो,
सफोरा डी नहीं जाएगा इसका आंसर। देखो टीआई प्लाज्मिड हम पहले ही देख चुके हैं और फेवरेट क्वेश्चन है नीट एग्जाम वालों का, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है नीट एग्जाम वालों का, ठीक है ना। एक सितारा बना देता हूं मैं इस पर, एक सितारा सिर्फ। आगे बढ़ने की कोशिश। क्वेश्चन नंबर 5 आज का, व्हाट इज ट्रू फॉर प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के बारे में सही बात क्या है। चारों स्टेटमेंट में से एक सेलेक्ट करना है, प्लाज्मिड के बारे में सही बात क्या है। करो आंसर, ऐसे लिखा करो आंसर यार कि फिफ्थ का आंसर क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, फिफ्थ का आंसर क्या है, ऐसे लिखा करो। हेलो पूजा, क्या जाएगा इसका आंसर फिफ्थ का। क्या प्लाज्मिड तुम्हारे वायरस में मिलते हैं, क्या प्लाज्मिड वायरस में मिलते हैं? नहीं, कहां मिलते हैं, बैक्टीरिया में मिलते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, वाइटल एक्टिविटीज नहीं होती है इन पर, ये मेन पार्ट भी नहीं होते हैं। करेक्ट, हमारे पास एक बचा सिर्फ क्या, प्लाज्मिड आर वाइडली यूज इन जीन ट्रांसफर। प्लाज्मिड का वाइडली यूज किसमें किया जाता है, प्लाज्मिड का वाइडली यूज होता है किसमें, जीन ट्रांसफर में। 9 बजे तुम्हारी फुल सिलेबस पर टेस्ट है, बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हम 90। हम फॉलो कर लो मुझे, मेरी प्रोफाइल की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो स्पेशल क्लास में जाकर ये सर्च कर लेना, विकास जहांगीर सर्च कर लेना स्पेशल क्लास में जाकर, वरना लिंक तो तुम्हें मिल ही जाएगी डिस्क्रिप्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट, डायरेक्ट जीन ट्रांसफर, किसी प्लाज्मिड के थ्रू नहीं हो रहा है, डायरेक्ट जीन ट्रांसफर हो रहा है, डायरेक्ट जीन ट्रांसफर हो रहा है, तो कैसे हो रहा है ये, कैसे हो रहा है, कैसे होता है, लगाओ आंसर क्या। इसमें भी मेरा फेवरेट जाएगा, चैप्टर भी करवाएंगे, डोंट वरी, चैप्टर भी करवाएंगे। पहले इस बेहतरीन क्वेश्चन का आंसर करो, करो करो करो, जल्दी आंसर करो, फटाफट से आंसर किया जाए, टाइम नहीं लगाना है। 6 का आंसर मेरा फेवरेट, वेरी गुड रुद्रानी, सोल हैकर, हैकेट, साई तेजा, पूजा गोयल, आयु खान, साई तेजा, राजकुमार, एक एक बार कमेंट किया करो यार। मैसुदर, विकास मौर्या, वेरी गुड, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अच्छा, माइक्रो इंजेक्शन किसमें करते हैं, एनिमल में, और तुम्हारा जीन गन किसमें करते हैं, पार्टिकल गन करते हैं प्लांट में, यह भी याद रखना। एक्स्ट्रा पॉइंट भी देखते रहते हैं क्वेश्चन के साथ साथ, एक्स्ट्रा पॉइंट भी देखते रहते हैं। हाउ मेनी कॉपीज ऑफ डीएनए सैंपल आर प्रोड्यूस इन पीसीआर टेक्निक आफ्टर 6 साइकिल, 6 साइकिल के बाद कितनी कॉपीज बनेंगी। फॉर्मूला याद है सबको, क्या सबको फॉर्मूला याद है, क्या याद है फॉर्मूला इसका, कॉपीज का फॉर्मूला याद है, 2 की पावर क्या होता है, एन, और एन क्या है तुम्हारा, एन इज दी नंबर ऑफ साइकल्स, एन क्या है तुम्हारा, एन है हमारा क्या, नंबर ऑफ साइकिल, तो लगाओ 2 की पावर 6 क्या होता है, 2 2 2 2 2 2, बच्चों की तरह करवा रहा हूं बिल्कुल, 4 8 16 32 64, क्या जाएगा आंसर, 64 ना, बिल्कुल बच्चों की तरह कैलकुलेशन की हमने, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह कैलकुलेशन की है, ताकि गलत होने के चांस ही ना हो, क्योंकि ऐसे आसान क्वेश्चन को हम गलत नहीं कर सकते हैं। जब हमें पता हो कि 2 की पावर n लगाना है तो फिर ऐसे कर लेना चाहिए, ताकि हमारा ये क्वेश्चन गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर 8, बैक एंड एक क्या है, बैक्टीरियल, मैं नहीं बोलूंगा कुछ, अगर मैं बोलूंगा तो फिर क्या हो जाएगा आंसर, आउट हो जाएगा आंसर, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। करो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, करो भाई जल्दी आंसर करो क्वेश्चन नंबर 8 का, तब तक थोड़ा पानी पी लिया जाए, थोड़ा पानी पीकर मुझे अपने गले को आराम देना है, थोड़ा सा पानी पीकर इस वीडियो की लिंक शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे डेली हम, ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। वेरी गुड, कौन कौन आंसर कर रहा है, ए नहीं, वेरी गुड सेफोरा, मैसुदर, रिंकी, आयु, राजकुमार, सोलेकर, धैर्य, हेमंत, यश बजाज, पूजा, रिंकी, साई तेजा, रिंकी, आयु खान। देखो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, ये नेचुरल नहीं होते हैं, इनमें नाम में आ रहा है क्या, नाम में जो ए है, ये नाम में जो ए है इसका मतलब ही क्या है, इसका मतलब ही है क्या, आर्टिफिशियल, तो ये आर्टिफिशियल डीएनए है बैक्टीरिया और ईस्ट के, और ये तुम्हारे यूकेरियोट के लिए यूज किए जाते हैं। करेक्ट आंसर हमारा क्या जाएगा, 2 एंड 3 बोथ। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताओ कौन करेक्टली मैच नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ। एग्रोबैक्टीरियम टीआई प्लाज्मिड सही लग रहा है सबको, ये एग्रोबैक्टीरियम टीआई प्लाज्मिड सबको सही लग रहा है, हाँ। कोज्मिड तुम्हारा वेक्टर डीएनए होता है, ये भी सही है। एल्बिनिज्म तुम्हारा ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होता है, ये भी सही है। गलत क्या हो गया, वेरी गुड यस, धैर्य, नादिया, वेरी गुड। राइजोबियम हमारा
ए सिम्बायोटिक नहीं, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर होता है, नाइट्रोराइजोबियम हमारा सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर होता है, इसलिए गलत हो गया। अकॉर्डिंग टू ई एफ बी की फुल फॉर्म क्या है? ई एफ बी की फुल फॉर्म बताओ पहले तो मुझे, ई एफ बी की फुल फॉर्म बताओ, बाकी बातें बाद में करेंगे। करो करो आंसर, पहले मुझे ई एफ बी की फुल फॉर्म बताया जाए जल्दी से। चलो चलो, कर रहे हो आंसर, कर रहे हो क्या आंसर, सही आंसर कर रहे हो क्या, बताओ ई एफ बी क्या है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वेरी गुड। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो ये किसकी डेफिनेशन है फिर? सिंपल सी बात है, किसकी डेफिनेशन है ये, किसकी डेफिनेशन है? करो आंसर, सबको पता होगा ये तो, चैप्टर का ही नाम यही है हमारा, हमारे चैप्टर का नाम ही यही है। क्या जाएगा आंसर? वेरी गुड, बायोटेक्नोलॉजी दी करेक्ट आंसर। कोहेन एंड बोयर आइसोलेटेड एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बाय कटिंग आउट ए पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम प्लाज्मिड, विच वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्फरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन द ईयर? कब किया था इन्होंने? इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ के इन्होंने ईयर पूछा है फिर, ठीक है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ के इन्होंने ईयर पूछा है फिर, बताओ कब किया था, कौन सा साल था वो? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी होता है इसकी फुल फॉर्म, इसके बारे में बताओ कौन सा साल था ये साल कौन सा था, साल कौन सा था जल्दी बताओ। वो हो गया है क्वेश्चन, अब हम 11 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं हम, बताओ सही आंसर करना है, गलत तो करोगे नहीं, गलत करने के तो सवाल ही पैदा नहीं होते हैं। एमटीआर लिख दूं गैस पर मैं, क्या बोलते हो, एमटीआर लिख दिया जाए? चलो याद कर लेना यार, याद कर लेना, ठीक है ना, कर लोगे याद। क्या जाएगा इसका आंसर तुम्हारा? 1972, याद कर लो सब, अभी के अभी याद कर लो इसको, 1972। एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर विच गेट इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्जन ऑफ एलियन डीएनए हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ, किसके सिलेक्शन में करता है हेल्प ये? क्वेश्चन नंबर 12, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, देखो पहले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था, इसके जगह को फॉरेन डीएनए आ गया, इसके जगह को फॉरेन डीएनए आ गया, तो इसमें वो प्रॉपर्टी नहीं रही तुम्हारी अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की, तो किसको अलग करेंगे इससे, किसको अलग करेंगे? ट्रांसफॉर्म, नॉन ट्रांसफॉर्म तो अलग बात हो गई, नॉन ट्रांसफॉर्म तो वो है जिनमें गया ही नहीं, जिनमें तुम्हारा फॉरेन डीएनए लगा ही नहीं। इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा तुम्हारा ऑप्शन बी, रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। राजकुमार, दिग्विजय, रिंकी, यस विवेक, ट्रांसलेशन चल रहा है उसको कल खत्म करते हैं, डोंट वरी, ट्रांसलेशन चल रहा है उसको कल खत्म करते हैं। हो गया ये सबसे, हो गया है, इस पर एक सितारा लगाना बनता है, ज्यादा नहीं, दो तीन सितारे लगाने बनेंगे। इन विच टाइप ऑफ बायोरिएक्टर एयर बबल ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया? कौन से बायोरिएक्टर में करते हैं ये? कौन से बायोरिएक्टर की बात कर रहा हूं मैं, कौन से बायोरिएक्टर की बात की जा रही है, किस तरह के बायोरिएक्टर की बात की जा रही है? बताओ 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 जल्दी बताओ यार, किस तरह के बायोरिएक्टर की बात की जा रही है ये, कौन सा है ये? वेरी गुड, ऑप्शन बी, शाबाश शाबाश शाबाश। श्रीकांत, रिंकी, सोलेकर, नादिया, धैर्य, दिग्विजय, यश, साई, तेजा, हिमांत, हेमंत, हेमंत, वेरी गुड वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, द नेम ऑफ ड्रग यूज इन कैंसर ट्रीटमेंट प्रोड्यूस बाय बायोटेक्नोलॉजी इज? कैंसर ट्रीटमेंट में कौन सा ड्रग यूज किया जाता है? थोड़ा तुम्हें लग सकता है आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन है नहीं, थोड़ा तुम्हें लगेगा, गलत भी करोगे तुम इसे, गलत भी करोगे। करो आंसर इसका, क्वेश्चन नंबर लिख दिया करो पहले। वेरी गुड साई, वेरी गुड साई तेजा, वेरी गुड शिवम, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सही चल रहा है, बिल्कुल सब सही चल रहा है, करते रहो आंसर। ए ए ए वेरी गुड करेक्ट आंसर, इंटरफेरोन, इंटरफेरोन बनाया हमने बायोटेक्नोलॉजी से। प्रीरिक्वायरिटीज ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, क्या क्या है प्रीरिक्वायरिटीज, प्रीरिक्वायरिटीज क्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर किया जाए, सही आंसर करना है, और यहाँ तुम मेरा फेवरेट लगा सकते हो, यहाँ पर तुम मेरा फेवरेट लगा सकते हो, आंसर तो सबको सही करना है,
तुम चाहो तो लगा सकते हो मेरा फेवरेट। लगाओगे क्या? लगाओगे क्या मेरा फेवरेट? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। 15 का कौन कौन आंसर कर रहा है? साई तेजा, यश बजाज, वेरी गुड, धैर्य, दिग्विजय, सोलेकर, श्रीकांत, रिंकी, इब्राहिम, नादिया, वेरी गुड। डी आंसर जाएगा, टू सर्च एंड एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सही बात है, यहां से हमने जीन निकाला, जीन को हमने प्लाज्मिड में जाना। द फर्स्ट आर्टिफिशियली सिंथेसाइज हार्मोन, याद करना है, जो भी गलत करेंगे वो इसको याद करेंगे। कौन था ये? कौन था ये फर्स्ट? कौन था? कौन था? हार्मोन की बात चल रही है, हार्मोन की, ठीक है ना? किसकी बात चल रही है यहाँ पर? हार्मोन की बात चल रही है। एमटीआर तो करोगे ही, उसके पहले बताओ, उसके पहले बताओ मुझे 16 का आंसर क्या जाएगा। कंपनी का नाम बता दोगे तो काफी अच्छा रहेगा, कंपनी का नाम भी बता दोगे तो काफी अच्छा रहेगा। इंसुलिन करेक्ट आंसर है। कंपनी कौन सी थी? कंपनी कौन सी थी? 1984 की बात है क्या ये? इली लिली, इली लिली कंपनी थी ये, 1984 कुछ की बात है ये। हार्मोन की बात चल रही है, एंजाइम की नहीं। हार्मोन की बात चल रही है, एंजाइम की नहीं। हो गया है सबसे, ये हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोटीन प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग बीटी टॉक्सिक जीन, क्राई वन एसी, क्राई टू ए बी, रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग। किसको कंट्रोल करते हैं ये? क्राई वन ए सी और क्राई टू ए बी। क्राई वन ए सी और क्राई टू ए बी किस किस को कंट्रोल करते हैं? रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग। क्राई वन ए सी, क्राई टू ए बी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। सही आंसर करना है यार, गलत आंसर कोई नहीं करेगा, सही आंसर करेगा। वेरी गुड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अनुभव सक्सेना जी ने, उज्जवल डांगी, अनुभव सक्सेना, इब्राहिम अहमद, वेरी गुड। ए ट्रांसजेनिक राइस जिसको बोलते हैं गोल्डन राइस, हैज बीन डेवलप्ड फॉर इंक्रीज कंटेंट ऑफ। गोल्डन राइस में क्या ज्यादा है? गोल्डन राइस के बारे में बताओ। गोल्डन राइस, चावल खा रहे थे, थोड़ी प्रोटीन भी हो जाए क्या, थोड़े विटामिन भी हो जाए चावल में तो मजा ही आ जाए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, श्रीकांत, यश, कमलेश, कमेश, सोनम, धैर्य, दिग्विजय, मजदूर, रिंकी, अनुभव, सोनम, कमलेश। एक एक बार कमेंट क्या करो यार। उज्जवल, विराज, वेरी गुड। विटामिन ए, विटामिन ए इनरिच राइस है ये, गोल्डन राइस। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रो हार्मोन, प्रो इंसुलिन इनटू मैच्योर इंसुलिन, प्रो इंसुलिन से जब तुम्हारा मैच्योर इंसुलिन बनता है तो क्या करते हैं? प्रो इंसुलिन से तुम्हारा मैच्योर इंसुलिन बनता है तो क्या किया जाता है? क्या किया जाता है प्रो इंसुलिन से जब तुम्हारा मैच्योर इंसुलिन बनता है? तब सी पेप्टाइड को क्या किया जाता है? सी पेप्टाइड को रिमूव किया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा था? जिसको याद नहीं है वो याद करेगा, जिसको भी नहीं है याद वो क्या करेगा इसे? वो करेगा इसे याद। फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट, फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा है? पोटेटो, टोमेटो, टोबेको या फिर मक्का, मेज, क्या था? तुम्हें क्या लगता है क्या बनाया होगा इंसान ने सबसे पहले? क्या बनाया होगा इंसान ने सबसे पहले? हिमांशी, बी नहीं आंसर। आंसर क्या जाएगा तुम्हारा? काफी लोग सही आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। इंसान ने सबसे पहले बनाया टोबेको, ठीक है, टोबेको बनाया इंसान ने सबसे पहले। इन बीटी कॉटन द प्रीफिक्स बीटी, बीटी का मतलब क्या है? बीटी का मतलब क्या है? बीटी का मतलब क्या है? बीटी कॉटन में, बीटी कॉटन में बीटी का मतलब क्या है? बताओ जल्दी बताओ, क्या है बीटी का मतलब? बीटी कॉटन में फटाफट से बताओ। सही करोगे आंसर, क्वेश्चन का नंबर लिख दिया करो आगे। 21 का डी, वेरी गुड श्रीकांत, वेरी गुड धैर्य, कमेश, रिंकी, सोलेकर, शुभम गुप्ता जी, वेरी गुड। क्या जाएगा इसका आंसर? केडी सिंह जी, डी, वेरी गुड, डी डी डी, वेरी गुड। इसका मतलब होता है कि जीन कहां से मिला है हमें? बेसिलस थुरिंजेंसिस, बेसिलस थुरिंजेंसिस से हमें क्या मिला है? जीन मिला है। क्वेश्चन नंबर 22, क्राई जीन, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम चाहो तो, वैसे आसान है क्वेश्चन तो ये, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर तुम्हारी इच्छा है, इच्छा है तुम्हारी तो ले सकते हो, वैसे जरूरी नहीं है। क्राई जीन वी सिंथेसाइज क्रिस्टल प्रोटीन आइसोलेटेड फ्रॉम, क्राई जीन तुम्हारा जो क्रिस्टल प्रोटीन बनाता है इसको कहां से आइसोलेट किया था? करो आंसर इसका, कहां से आइसोलेट किया था? पता होना चाहिए तुम्हें इसका आंसर, आसान है ये भी, काफी ज्यादा आसान है।
क्राइजीन जो हमारा क्रिस्टल प्रोटीन बनाता है, कहां से स्टोर किया, कहां से निकाला गया इसे? वेरी गुड, ऑप्शन ए बैसिलस थुरिंजेंसिस। जीन थेरेपी सबसे पहले किसके ट्रीटमेंट में यूज की गई थी? जीन थेरेपी सबसे पहले किसके ट्रीटमेंट में यूज की गई थी? कमेंट करो फटाफट से। और जो भी स्टूडेंट नए हैं जल्दी से लाइक करो वीडियो को, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो, ताकि हम डेली ऐसी क्लासे ऑर्गेनाइज कर सकें और तुम्हें डेली ऐसे कुछ क्वेश्चन बताकर जाएं जो तुम्हारे नीट एग्जाम में आए और तुम्हारी थ्योरी को रिवाइज करवाएं। क्या जाएगा इसका आंसर? वेरी गुड मजदूर, वेरी गुड दीक्षा, वेरी गुड शुभम। क्वेश्चन का नंबर लिख दिया करो आगे यार ऐसे। 30-23 का आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा। स्किड में किसकी कमी हो जाती है? स्किड में हमारे अदा की कमी हो जाती है। अदा की, अदा क्या है ये? अदा की कमी हो जाती है स्किड में। क्या कोई मुझे अदा की फुल फॉर्म बता सकता है? पहले मुझे स्किड की फुल फॉर्म बताओ। स्किड की बताओ पहले। स्किड की फुल फॉर्म बताओ। स्किड की यार, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज। सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज किसकी कमी से होता है? अदा की कमी से। अदा क्या है हमारा? एडिनोसिन डिएमिनेज। एडिनोसिन डिएमिनेज, वेरी गुड धैर्य, वेरी गुड दिग्विजय, वेरी गुड शाबाश 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 शाबाश। करते रहो आंसर, करते रहो, ध्यान से सुनोगे क्लास को तो फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, इस बात की मेरी गारंटी है। वेरी गुड दिग्विजय, अदा क्या होती है? एडिनोसिन डिएमिनेज। चलो फिर हो गया ये क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डीएनए प्रोब का यूज किसमें किया जाता है? डीएनए प्रोब का यूज किसमें किया जाता है? लगाओगे क्या मेरा फेवरेट? वेरी गुड मजदूर, रिंकी, दीक्षा, साई तेजा, 24 का आंसर करो। सही आंसर करना है, सही आंसर, सोच समझ कर चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो। वेरी गुड साई, धैर्य, दिग्विजय, नादिया, वेरी गुड, वेरी गुड रिंकी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने में करते हैं, मेडिकल जेनेटिक्स जेनेटिक्स में भी काम आता है ये, टू फाइंड वेदर ए पर्सन इज कैरियर ए पर्टिकुलर जीन और नॉट। करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दी अबव। स्क्रीनशॉट ले लो यार, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इस क्वेश्चन का। जो भी क्वेश्चन अच्छा होगा उसका स्क्रीनशॉट लिया जाएगा, ठीक है ना? तो लो जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, फटाफट से स्क्रीनशॉट लिया जाए। ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। सिली मिस्टेक नहीं करनी है, उसीलिए मैं हूं यहां पर, ताकि तुम लोग सिली मिस्टेक कम से कम करो। ले लिया है सबने स्क्रीनशॉट? ले लिया है क्या स्क्रीनशॉट? यहां तो मैं थम्सअप भी नहीं करवा सकता हूं, यहां मैं क्या करवाऊंगा तुम्हें? थम्सअप नहीं करवाऊंगा, क्या करवाऊंगा यहां पर? क्या करवाया जाएगा यहां पर? थम्सअप नहीं। हो गया ये क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन हो चुका है? क्या ये क्वेश्चन सबसे हो चुका है? जल्दी बताओ मुझे, ये क्वेश्चन हो चुका है सबसे? कर दिया सभी ने आंसर इसका। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऑल ऑफ दिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका आंसर करो। ये एमएनसी यूज कर लेती है हमारे बायो रिसोर्सेज को, इसको क्या बोलते हैं? थ्योरी है ये, एक तरीके से थ्योरी है। क्या है ये? थ्योरी है हमारी। करो इसका आंसर, थ्योरी है तो याद कर लोगे, डेफिनेशन एक तरीके से। सही आंसर करो जल्दी से, सही आंसर करना है, गलत नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करना है, वो बिल्कुल सही आंसर करना है, कोई गलत आंसर नहीं करेगा क्वेश्चन नंबर 25 का, कोई भी गलत आंसर करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारेगा, क्योंकि आसान से क्वेश्चन है, क्योंकि काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। बायोपायरेसी, ऑप्शन बी बायोपायरेसी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस बेहतरीन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन किया जाए क्या? वॉइस वीडियो में किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है दिक्कत। क्या दिक्कतें हैं कुछ वॉइस वीडियो में? नहीं है दिक्कत, बहुत अच्छी बात है, नहीं है दिक्कत, तो दिक्कतें होनी भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का मतलब क्या है बताओ। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताओ। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। वेरी गुड वेरी गुड, यस दिग्विजय, अभिजीत, अमीर, रिंकी, हेमंत, सयाली, शुभम, धैर्य, सक्षम, वीर, अभिजीत। दो बार कमेंट मत करो यार। क्रिस श्रीकांत, ऑप्शन बी, डीएनए मॉलिक्यूल को स्पेसिफिक साइट पर काटते, कहां काटते हैं, कहां किस सीक्वेंस पर टारगेट करते हैं? जो हमारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं ये किस सीक्वेंस पर टारगेट करते हैं? पैलिंड्रोम पर टारगेट करते हैं क्या?
क्या ये तुम्हारे पैलेंड्रोम पर टारगेट करते हैं? पैलेंड्रोम पर टारगेट करते हैं क्या ये बताओ मुझे, वहां टारगेट करते हैं क्या पैलेंड्रोम पर? वेरी गुड, हाँ 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 सही सोचा तुम लोगों ने, सही सोचा है। करेक्ट आंसर का जाएगा ऑप्शन बी, ए जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज सक्सेसफुली इन बायो रेमेडिएशन ऑफ ऑयल स्पिल इन ए स्पेसीज ऑफ, किसके स्पेसीज है ये? क्वेश्चन नंबर 27, मलयालम, मलयालम को ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो सेम आता है, उसी को बोलते हैं पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। मेरे बचपन में तो मैंने पढ़ा था तेजू के पापा के जूते, तेजू के पापा के जूते, इसको उल्टा सीधा पढ़ो एक जैसा ही होता है ये, ठीक है ना? तो ये भी एक पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस था, मेरे बचपन का था ये, पता नहीं तुम लोगों ने सुना या नहीं सुना, इसको सुना है क्या तुम लोगों ने इसको, तेजू के पापा के जूते? हाँ, 27 का आंसर क्या है? चौबे जी भाजी बेचो, अरे धैर्य, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सुडोमोनास पूरा नाम क्या है इसका? सुडोमोनास पुटीडा। देखो क्या होता है ना, समुद्र में जब हमारे सिप जाते हैं तो वहां क्या होता है, कभी कभी ऑयल स्पिल हो जाता है, और अगर ऑयल स्पिल हो गया तो एक लेयर हो जाएगी ऑयल की, तो जो हमारे ऑर्गेनिज्म है, जो हमारे सी ऑर्गेनिज्म है, वो क्या होंगे, सांस नहीं ले पाते हैं, हवा नहीं आ पाएगी ना अंदर, तो क्या होता है फिर हमारा, फिर क्या होता है, फिर क्या होगा, हम इस बैक्टीरिया को डाल देते हैं, ये क्या करता है, ये सारे ऑयल को खा जाता है, ताकि जो हमारा फ्लोरा एंड फना है, कहाँ का फ्लोरा एंड फना, जो हमारा ओशियन का फ्लोरा एंड फना है, वो क्या हो, वो मेंटेन रह सके, उसके लिए होता है ये। 28, ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कॉमर्शियली प्रोड्यूस फ्रॉम ए ट्रांसजेनिक स्पेसीज ऑफ, कहां से बताओ, जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर, 28 का आंसर बताया जाए जल्दी से। वेरी गुड हेमंत, अर्जुन, क्रिस, यस रिंकी, अर्जुन वेरी गुड, प्राज्वल, नादिया, हेमंत, दीक्षा, संदेश, आभास, इकोलाई इकोलाई इकोलाई। आगे बढ़ते हैं, पॉलीथीन ग्लाइकोल मेथड, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल मेथड, पीजी। ये यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करो, पॉलीथीन पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल पीईजी का यूज किसमें किया जाता है? ट्वेंटी नाइन का आंसर क्या जाने वाला है पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल के बारे में, सही आंसर करना है, गलत नहीं, गलत आंसर नहीं करना है। बी आंसर जाएगा जीन ट्रांसफर विदाउट वेक्टर। 30, बीटी टॉक्सिन के बारे में सही क्या है? व्हाट इज ट्रू अबाउट बीटी टॉक्सिन? बीटी टॉक्सिन के बारे में सही क्या है, जल्दी बताओ क्या सही है बीटी टॉक्सिन के बारे में? ट्रू पर गोला कर लिया करो, और किसके बारे में बता रहे वो भी गोला कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 30, कंसर्न बेसिलस के पास एंटीटॉक्सिन होते हैं क्या? नहीं, एंटीटॉक्सिन नहीं होता ये, नहीं गलत हो गया, यही सही है हमारा, जो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन है ना, इनएक्टिव जो प्रोटॉक्सिन है हमारा, ये क्या होता है, कन्वर्टेड हो जाता है एक्टिव फॉर्म में इंसेक्ट गट में। क्यों होता है, किसकी वजह से कन्वर्ट होता है ये, किसकी वजह से कन्वर्ट होता है ये, क्यों हो रहा है कन्वर्ट, ऐसी भी क्या मजबूरी है, क्यों हो रहा है कन्वर्ट जल्दी बताओ, क्यों हो रहा है कन्वर्ट, जल्दी से बताओ क्यों हो रहा है कन्वर्ट। वेरी गुड, एल्कलाइन पीएच, क्योंकि इंसेक्ट की गट में से क्या मिलता है, एल्कलाइन पीएच मिलता है, और यही तुम्हारे प्रोटॉक्सिन को कन्वर्ट करता है, किसमें, टॉक्सिन में। द जेनेटिक डिफेक्ट अदा, इसकी डेफिशिएंसी को हम परमानेंटली क्योर कैसे कर सकते हैं, परमानेंटली क्योर की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या जाएगा, परमानेंटली क्योर करना, बिल्कुल परमानेंटली क्योर करना है। मालूम है ना क्या मालूम है 31 का आंसर मुझे मालूम करवाओ पहले। सही आंसर करना है, गलत नहीं करना है। करेक्ट आंसर का जाएगा ऑप्शन डी, बोन मैरो सेल को करेंगे जो एडीए बनाए, कब करेंगे, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पर करेंगे। अगर तुम्हें दिख नहीं रहा है ये तो दिखा देता हूं मैं, एक मिनट रुको, पूरा क्वेश्चन तुम्हें दिख नहीं रहा है तो मुझे अपने आप को कहीं और शिफ्ट करने दो।
अब दिख रहा है क्वेश्चन, अब दिख रहा है क्वेश्चन, क्या अब दिख रहा है क्वेश्चन या नहीं दिख रहा है? अब तो दिखना चाहिए, अब तो दिखना चाहिए, दिख रहा है ना? दिख रहा है क्वेश्चन क्या सबको? अब मैं थोड़ा ऊपर की साइड आ गया हूं, अब इस साइड राइट साइड आ गया हूं थोड़ा। जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज बीन सक्सेसफुली यूज फॉर प्रोड्यूसिंग, क्या क्या प्रोड्यूस करने में जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज किया गया है? क्वेश्चन नंबर 32। करो आंसर, करो आंसर, सोच समझ कर करना, एक एक ऑप्शन पढ़ना जरूरी है, एक एक ऑप्शन पढ़ना जरूरी है, गलत कर सकते हो एक एक ऑप्शन। यार मुझे अपना फोटो थोड़ा छोटा ही करना पड़ेगा क्योंकि ये दिक्कत तो यहां भी दे रहा है, तो चलो फोटो थोड़ा छोटा कर देते हैं, जगह वही रहने देते हैं, फोटो को थोड़ा छोटा कर देते हैं। वैसे स्लाइड दिखनी चाहिए, मुझे देखकर क्या करोगे? हाँ हो गया, क्या जाएगा इसका आंसर? देखो रोजी, हाई फैट मिल्क नहीं होता इसलिए गलत हो गया। एनिमल लाइक बुल्स ये भी नहीं करते हैं। ट्रांसजेनिक माइस करें हम टेस्टिंग सेफ्टी, पोलियो वैक्सीन बिफोर यूज इन ह्यूमन, ये सही है। ट्रांसजेनिक, ट्रांसजेनिक ह्यूमन बनाना नहीं है, अभी अलाउ नहीं है, इथिकल इश्यू है। रोजी क्या प्रोड्यूस करती है? हाई फैट नहीं, प्रोटीन कंटेंट। कौन सा, कौन सी प्रोटीन होती है ये, कौन सी प्रोटीन होती है जल्दी बताओ, कौन सी प्रोटीन होती है? प्रोटीन होती है ह्यूमन अल्फा लैक्टिक एल्बुमिन, 2.4 ग्राम पर लीटर होती है, 2.4 ग्राम पर लीटर। लैक्टिक एल्बुमिन, वेरी गुड, लैक्टिक एल्बुमिन ये मोर न्यूट्रिशियस होती है ह्यूमन चाइल्ड के लिए, जो हमारा चाइल्ड है उसके लिए मोर न्यूट्रिशियस होती है ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 33। देयर इज रेस्ट्रिक्शन इन द न्यूक्लियस कॉल्ड इको आर वन, यहां पर तुम्हारा को का मतलब क्या है यार? को का मतलब कंपनी है क्या? को का मतलब क्या है? को का मतलब क्या है? को का सीओ क्या समझाना चाह रहा है हमें यहां पर? कोलोन, सीलम, कोएंजाइम, या फिर तुम्हारा क्या है ये? कोलाई, ई कोलाई। ओके ओके ओके, हो गया सही, हो गया सही, ऑप्शन डी सही है यहां पर। मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल कौन है? सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल कौन है? दीक्षा, हिमांशी, अभिजीत, शेख, रिंकी, कल्पेश, कलाकार, रिंकी, मीनाक्षी, वेरी गुड दीक्षा, शाबाश शाबाश शाबाश। अभी देखो रात को 9 बजे, अभी आज रात को 9 बजे स्पेशल क्लास है मेरी, उसमें हम क्या करेंगे? फुल सिलेबस टेस्ट होगा तुम्हारा बायोलॉजी का, फुल सिलेबस बायोलॉजी का होगा। कितने क्वेश्चन करेंगे? कम से कम 60 क्वेश्चन करेंगे, बेहतरीन बेहतरीन। और अनअकैडमी पर तुम्हें पता है फ्री भी है वो, और पोल भी आते हैं वहां पर, पोल में आसान होता है क्वेश्चन आंसर करना। मेरी प्रोफाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर फॉलो कर सकते हो तुम मुझे। इसका आंसर माइक जाएगा 95%। और अगर स्पेशल क्लास में जाकर तुम, और देखो तुम्हें अगर एक कोड मांगेंगे आजकल, ये कोड यूज करना है तुम्हें, विकास जांगिर लाइव, ये कोड तुम्हें यूज करना है क्योंकि हम फ्री कंटेंट को एक्सेस करने के लिए भी, फ्री क्लासेस को एक्सेस करने के लिए भी तुम्हें कोड की जरूरत होती है, VIKSJNGIRLIVE। आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस हैज बीन यूज इन डेवलपमेंट ऑफ प्लांट रेजिस्टेंट टू, किस किस में प्लांट रेजिस्टेंस बनाते हैं? क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर करो जल्दी से। आरएनए इंटरफेरेंस, एक आरएनए का स्ट्रैंड है, इसके अगेंस्ट हमने एक और बना दिया, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होते क्या होगा ये? तुम्हारा ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा, प्रोटीन नहीं बनेगी, तो वो इंसेक्ट क्या होगा? वो इंसेक्ट मर जाएगा। करो इसका आंसर, करो 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 आंसर करो इसका, जल्दी से आंसर करो। सही आंसर करना है, गलत नहीं करना है आंसर, सबको आंसर सही करना है। वेरी गुड निमेटोड, और क्या तुम मुझे उस निमेटोड का नाम बता सकते हो? क्या तुम लोग मुझे उस निमेटोड का नाम बता सकते हो? मेलिडियोगाइनिन कोग्निटा ऐसे कुछ है ना, एमआई से याद कर लेते हैं, मेलिडियोगाइनिन कोग्निटा। ये वाला बड़ा सा डायग्राम है, देखो जल्दी से इसको और मुझे बताओ क्या बताओगे। द फिगर बिलो इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोलाई वेक्टर PBR322। एक मिनट पेन का कलर थोड़ा चेंज करने दो, हो गया चलो PBR322।
यहाँ पर मुझे बताओ विच वन ऑफ द गिवन करेक्टली आइडेंटिफाइड सैटर्न कंपोनेंट, चारों में से क्या करेक्टली आइडेंटिफाई है, चारों में से क्या करेक्टली आइडेंटिफाई है, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर किया जाए। अगर नहीं दिख रहा है तो फिर मैं अपने आप को और जगह ले जाता हूं, एक मिनट, अब दिखेगा क्वेश्चन पूरा, अब दिखेगा, अब दिख रहा है क्या, अब दिख रहा है क्वेश्चन सारा, अब दिख रहा है ना, अब दिख रहा है सभी को क्वेश्चन, तो करो आंसर फिर, करो आंसर फिर, अब दिख रहा है तो करो आंसर 36 का सही आंसर करना है, गलत के लिए तो वही नहीं है, गलत के लिए तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, 36 का आंसर क्या जाएगा सही सही। देखो यहां पर ये तुम्हारा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन टेट्रासाइक्लिन, ये क्या है तुम्हारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, इसलिए ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर है। ये बताओ मुझे यार, बताओ यहां पर क्या सही है, क्या सही है जल्दी बताओ, सही क्या है, ए बी सी में बताना है, दिख रहा हूं क्या मैं, दिख रहा हूं क्या जल्दी बताओ, ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, वही बताना है। अब दिख रहा है क्वेश्चन, अब दिख रहा है क्वेश्चन सबको, अब दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा सबको, जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन है लाइव है डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, 50 प्लस चाहिए भाई मुझे क्लास एंड होने तक, 50 प्लस कम से कम। इसका क्या जा रहा है आंसर, क्या जा रहा है इसका आंसर, वेरी गुड जल्दी बताओ क्या हो रहा है इसका आंसर, सी क्या है हमारा पहला, डीनेचुरेशन एनिलिंग एक्सटेंशन, तो सी हमारा क्या है, सी हमारा यहां पर है एक्सटेंशन, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, क्या नाम होता है इसका जो हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज होता है, इसका नाम बता दो मुझे कोई, और किस बैक्टीरिया से मिलता है यह भी बता दो, किस बैक्टीरिया से मिलता है यह भी बता दो, और ये बता दो क्या नाम है इसका, टेक पॉलीमरेज, टेक पॉलीमरेज, टेक पॉलीमरेज, थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस इज द करेक्ट आंसर। विच बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट जीएम रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस, एमटीआर कर सकते हो अगर नहीं याद है तो, अगर याद है तो काफी अच्छी बात है, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है याद तो एमटीआर कर सकते हो, ठीक है ना, याद कर सकते हो, याद है तो करो आंसर, फुल फॉर्म भी बताओगे यार साथ साथ में, मुझे मुझे फुल फॉर्म भी जाननी है, मुझे फुल फॉर्म भी जाननी है इसकी, फुल फॉर्म भी बताओ, आंसर तो तुम्हारा ऑप्शन बी हो गया, शाबाश, फुल फॉर्म कौन बताएगा मुझे फुल फॉर्म इसकी, जी से क्या हुआ, जी से क्या हुआ, ई से क्या हुआ, जल्दी बताओ फुल फॉर्म, फुल फॉर्म बताया जाए जल्दी से, वेरी गुड अभिजीत, वेरी गुड धैर्य, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, वेरी गुड, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, समझ लेना मेरी राइटिंग, ऐसे दवाइयां लिखने वाला हूं मैं फ्यूचर में, अभी समझ लेना राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 39, विच वन इज नॉट ए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इनमें से कौन तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है, वेरी गुड दीक्षा, अंजलि, कमलेश, बताओ 39 का कौन तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन नहीं है, अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं होगा तो कुछ और होगा, वो बताओ बताओ बताओ, सही आंसर करना है, गलत नहीं, क्वेश्चन नंबर 39 का 50 पहुंचाओ यार, 50 पहुंचाओ, प्रोफाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर लो जाकर अनअकैडमी पर, आज ही करेंगे 9 बजे 10 मिनट बाद आज के, काइटिनेज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो ये सारे रेस्ट्रिक्शन है, ये क्या है हमारी काइटिन, काइटिन को डिजोल्व करेंगे मतलब कि फंजाई में काम आएगा ना, ये फंजाई में काम आएगा, क्योंकि फंजाई की सेल वॉल तुम्हारी काइटिन की बनी हुई होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ जीन साइलेंसिंग, करो आंसर, लास्ट क्वेश्चन है आज का ये,
करो जल्दी से आंसर, करो फटाफट से। ये इनविटेशन कोड यूज करना है विकास जांगिर लाइव, और आ जाना सब लोग। कितने बजे? अभी 9 बजे, 10 मिनट बाद अभी 9 बजे अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में फुल सिलेबस टेस्ट होगा, बिल्कुल फुल सिलेबस। 60 क्वेश्चन करेंगे, बेहतरीन बेहतरीन, तुम्हारे दिमाग के दरवाजे खुलने वाले हैं। इसका आंसर जाएगा RNAi, RNA इंटरफेरेंस। आ जाओगे सब लोग? तो ठीक है, चलो फिर बाय बाय एवरीवन, आज के लिए इतना ही। कल देखो, अब मैंने ये बता दिया है तुम्हें, 9 बजे सब लोग आ जाना। उसके बाद कल हम यूट्यूब पर कौन सा सेशन लेने वाले हैं उसके बारे में तुम्हें यूट्यूब पर बताऊंगा, कल इस वाली क्लास में बताऊंगा जो 9 बजे अभी, जो तुम्हारी 14 मिनट बाद है। तो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं 9 बजे, और सब लोग लाइक करते हुए जाना, ठीक है ना। कमेश 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 कामेश सॉरी 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 कामेश, बाय एवरीवन, मिलते हैं शाम को 9 बजे। तब तक के लिए बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर ब्राइट फ्यूचर।